झारखंड की राजधानी रांची से महज 65 से 70 किलोमीटर दूर कांची नदी पर करोड़ों रुपए खर्च कर बना हेठ बूढ़ाडीह और हरडीह मंदिर को जोड़ने वाला पुल गुरुवार को ध्वस्त हो गया। ज्ञात हो कि इस पुल का शिलान्यास 2014 में और पुल को 2019 में आम जनों के लिए खोल दिया गया था, जिसके दो वर्ष बीत जाने के बाद आज पुल ने अपना दम तोड़ दिया, जिससे लगातार बारिश के कारण उसका एक पिलर नीचे दब गया। हालांकि इससे किसी जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बुंडू, तमाड़, सोनाहतु तथा राहे प्रखंड के सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों की माने तो पुल निर्माण के दौरान छड़, सीमेंट वगैरह में अनियमितता बढ़ती गई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा को बुलाया था, जहां उन्होंने निरीक्षण भी किया था, लेकिन काम करवा रहे मुंशी विनोद सिंह ने एक ना सुनी और पुल का निर्माण कार्य पूरा करा दिया। हालांकि इसका विधिवत उद्घाटन होना भी बाकी है। पुल को देखने पर लगता है कि ऐसे दो खंभा और ध्वस्त होने को हैं। इसके अलावा नियमित रूप से अवैध बालू उत्खनन भी इसका दूसरा कारण बताया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करना इसके उदासीन रवैये को भी एक कारण बताया जा रहा है। अगर प्रशासन इस पर समय रहते ध्यान देता तो यह पुल की यह दशा नहीं होती। इसको लेकर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया और पुल की जल्द मरम्मति का आग्रह सरकार से किया है। क्या नाम है आपका? दमेर मातो। ये बताइए क्या कैसे ये पुल धंसा, क्या हुआ है? यहाँ पर जो बालून खनन अभी हो रहा है, पूरा माफिया का रांची टाटा बॉम्बे यहाँ से बालून खनन लेके जा रहा है डेली। यहाँ पर 2000-3000 जिसपी लगा रहता है। तो हम लोग ग्रामीण से क्या बोले, हम मेरा घर यहाँ से भिटूडी श्रेणी तमाड़ है, 1 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ से हम लोग बोलते हैं तो क्या होगा, आप लोग का सामने के गांव का जो जितना भी माफिया है और साथ साथ में जो विधायक है वो भी उसके साथ में मिला भगत है, और वो प्रशासन है वो भी मिला भगत है। कितने गांव प्रभावित होंगे इस टूटे टूटे से? इसके लिए कम से कम 40-50 गांव प्रभावित हुआ है। यहाँ से लेके इधर से हम लोग का चलता है ईचाघाट तक लेके बुंडू, हम लोग का तो तमाड़ है, हम लोग बुंडू इधर से जाते हैं, जहाँ अनुमंडल है, हम लोग डायरेक्ट सफर यहीं से करते हैं। हम लोग को इसलिए हम लोग प्रभावित हो गया, हम लोग कैसे जाएंगे ये सोच में पड़ गए हैं अभी। क्या लगता है ये पुल पिछले 3 साल पूर्व ही बनी थी और इतना जल्दी ध्वस्त हो गया, क्या लगता है किस कारणों से ये सब हुआ? ये 3 साल से पहले हुआ था जी, ये 5 साल लगभग 5-6 साल बना हुआ, 5 साल हो गया है। हाँ 3 साल नहीं, 5 साल हो गया है। यहाँ से जितना भी कार्य जब ये टूटा है ये बालू खनन से टूटा है, बालू उत्खनन बालू खनन से बहुत गड्ढा हो गया है। डेली इतना जिसपी लगता है, आप लोग देखिएगा सकिएगा यहाँ से आके तो ट्रैक्टर और जिसपी यहाँ से लेकर भरा 50 फट जिसपी रहता है, 200 ट्रैक्टर रहता है यहाँ पर डेली। कितनी तो जैसे सूचना मिली तो हम लोग पहुँचे देखने के लिए क्या हुआ है, और इस संबंध में निश्चित तौर से हम लोग ऊपर बात करेंगे कि पुल क्यों टूटा, सबसे पहले तो जाँच हो और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से पुल का धंसना, पूर्व में भी एक पुल जिस तरीके से धंसा था उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली, और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम लोग इसको जांच तो करवाएंगे, जांच निश्चित तौर से होगी कि क्यों किस हालात में, चूँकि पुल जब उच्च स्तरीय पुल की हम लोग बात कर रहे हैं, इतने बड़े नदी के मुहाने पर जब पुल बनाया गया था तो ये सब चीज़ों को तो देखा ही गया होगा कि भाई तकनीकी रूप से क्या क्या चीज़ों और मजबूत करने की आवश्यकता हो ताकि पुल मजबूत बने, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उन सारे पहलुओं को ठीक से ध्यान नहीं दिया गया होगा, जिसके कारण ये नतीजा देखने को मिल रहा है। हम लोग उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की चीज़ों में तो जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसे का बंदरबाड़ करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। जो लोग इस तरह के कार्य करेंगे उनको, ग्रामीणों के द्वारा जो शिकायतें मिली हैं कि कहीं कहीं पे पुल के समीप ही लोग बालू खनन करने लगते हैं, तो इस संबंध में निश्चित तौर से स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से हम बात करेंगे कि इस तरह की चीज़ें जहाँ जहाँ हैं उसको तो तुरंत और तत्काल सारी चीज़ों को बंद करवाया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।